मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटहल के पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है कटहल, ये आधा किलो है, इसको हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स कटहल छीलने में ना हमें बहुत ही परेशानी आती है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें हाथ में इस तरीके से ऑयल लेना है, ये मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। हाथों को अच्छे से इस तरीके से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद कटहल को इस तरीके से लेना है, क्योंकि कटहल है ना हाथों में चिपकने लगता है। और इस तरीके से हम इसको छील लेंगे, बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। आप देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कटहल को छील के ना और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कटहल को ना बहुत अच्छे से कट कर लिया है, और इसके बहुत बड़े टुकड़े नहीं रखने हमें। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटना है। तो इसको अब हम वॉश कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर, और जो कटहल हमने वॉश करके रखा है इसको हम डाल देंगे इस तरीके से। कटहल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसमें डालेंगे अब हम पानी। एक ग्लास पानी मैंने यहाँ पे डाला है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच नमक। साथ में नमक डाल देंगे ना तो कटहल में नमक जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब हमें इसका ढक्कन लगा के ना इसमें एक सीटी लगा के इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे कटहल को। ज्यादा सीटी में नहीं लगानी, सिर्फ एक सीटी लगानी है, गलाना नहीं है हमें कटहल को, सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कटहल अच्छे से बॉइल हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से तोड़ के। और अब हमें लेना है एक बाउल इस तरीके से, और इसमें हम लेंगे दो कटोरी बेसन, इसको हम डाल देंगे। ये दो कटोरी हमारा बेसन हो गया। अब हमें इसमें डालना है आधा कटोरी सूजी, ये इसको हम डाल देंगे। मैंने लिए यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन, इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। साथ में मैं एक चम्मच यहाँ पे मिर्च डाल रही हूँ, इसको भी डाल देंगे। एक चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, इसको भी डाल देंगे। तो इसमें जाएगा गर्म मसाला, और बहुत थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़े में, तो इसको भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैं यहाँ पे दो चम्मच का यूज कर रही हूँ, और कटहल में पहले से ही नमक पड़ा हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका बैटर तैयार कर लेना है। एक साथ हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर में बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसका बैटर जो है ना तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने सूजी का यूज किया है, अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटे का भी यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या, हमारे जो पकौड़े बनेंगे ना एकदम क्रिस्पी से बनेंगे। बनके तैयार हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च, इसको मैंने काट के रख लिया था, डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती ली है, इनको भी हम डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमें बैटर को इसी तरीके का रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। और अब हमने जो कटहल रखा था ना उसको हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, सारे कटहल को हमें डाल देना है। और इसको अब हम हाथों से मिक्स करेंगे इस तरीके से, जिससे हमारे जो कटहल है ना उनपे सारे कटहल पे बेसन जो है ना अच्छे से लिपट जाए, अच्छे से लग जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना सारे कटहल को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड्स मिक्सी का जार, इसमें ली है धनिया पत्ती, इसको काट लिया था, रफली चॉप कर लिया था मैंने यहाँ पे, और तीन से चार लहसुन की कलियां ली हैं, इनको भी डाल देंगे। और दो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली थी, इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, इनको भी हम डाल देंगे। एक चम्मच मैं यहाँ पे जीरा ले रही हूँ, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे दो टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, इनको डाल देंगे। एक चम्मच नमक भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। हमारी चटनी भी बनके तैयार है, तो चलिए अब हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। हमें बैटर को लेना है और डाल देना है इस तरीके, एक एक कटहल का पीस हमें लेते जाना है और इस तरीके से हमें इसको डाल देना है। तो चलिए डाल देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पकौड़ों को डाल दिया है, और अब हम इनको इसी तरीके से सिकने देंगे। पकौड़े का कलर चेंज होने लग गया है, आप देख सकते हो। और अब हमें पकौड़े को ना इस तरीके से सारे पकौड़े में अपने पलट देने हैं, इनको हम पलट देंगे। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया हमारे पकौड़े बनके तैयार हो रहे हैं।
बहुत ही अच्छा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी थे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े ना चारों ओर से बहुत अच्छे से सेक गए हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमें थोड़ा सा और सेक लेना है मिक्स करते हुए इस तरीके से। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म टेस्टी चटपटे से पकौड़े बनके तैयार हैं। इसको मैंने हरी धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको आप सुबह के नाश्ते में, शाम की छोटी मोटी भूख में कभी भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।